We learned chemistry class 9. In first lesson, matter in our surrounding. In this topic, evaporation. Evaporation is process in which liquid change into gas. The process in which liquid change into gas by heating is called evaporation. When a liquid change into completely gas by heating a certain temperature, this process known as boiling. The process in which liquid change into gas by heating completely at certain temperature is called boiling, and temperature is known as boiling point. Therefore, evaporation and boiling are different from to each other. Evaporation allows the different temperature, but boiling at a certain temperature. यहाँ आप देख रहे हैं कि इवोपरेशन कोई भी टेम्परेचर पर 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में इवोपरेशन वाटर का होता है, लेकिन वाटर का बॉयलिंग आपका उबलना जिसे कहते हैं वह 100 डिग्री सी पर होता है। तो बॉयलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सी होता है, जबकि इवोपरेशन वाष्पीकरण वाटर का जीरो से यानी जल का जीरो से लेके और 100 के बीच होता है। अब हम आते हैं वाष्पीकरण और बॉइलिंग पॉइंट यानी प्रथम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट boiling and evaporation. Evaporation is allowed at different temperature but boiling of liquid at certain temperature. The evaporation has not a fixed temperature, but boiling has a fixed temperature. For example, water evaporation of water from 0 degree C to 100 degree C. But boiling of water at
100 डिग्री सी. सो देयर आर मेन डिफरेंट बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉयलिंग. प्लीज नोटेड दिस. Affecting on evaporation. That means वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण जो गति होती है, वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है, उसको कौन कौन फैक्टर प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. That means factor affecting of evaporation. First है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स जिस वस्तु को हम इवोपरेशन कराते हैं, जिस लिक्विड का, वह अपने कंटेनर के सरफेस पर डिपेंड करता है. उसका इवोपरेशन की गति यानी रेट ऑफ इवोपरेशन उसका कैसे प्रभावित होगा. When its surface area is increased, then rate of evaporation also increase. एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि कोई भी कपड़ा यदि हम धूप में फोल्ड करके डालते हैं तो वह देर से ड्राई करता है, देर से सूखता है, लेकिन उसी को जब हम एक्सपेंड कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, फैला देते हैं, तो वह कपड़ा जल्दी सूख जाता है. अगर कोई भोजन हमारा छोटे बर्तन में रहता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो वह देर से ठंडा होती है, लेकिन अगर उसके हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, उसके कंटेनर को बढ़ा देते हैं, तो भोजन हमारा जल्दी ठंडा हो जाता है. यह एग्जाम्पल इवोपरेशन रेट को प्रभावित करने वाला है, और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इज इंक्रीज ऑफ द लिक्विड्स, देन रेट ऑफ इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीज. सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर. दैट मीन्स टेम्परेचर, हीट और ताप. टेम्परेचर बढ़ने पर इवोपरेशन फास्ट होता है, टेम्परेचर घटने पर इवोपरेशन स्लो होता है. व्हेन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the rate of evaporation is also increased. यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ता है तो इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटता है. when decreases of temperature, the rate of evaporation is also decreased. आप समझ सकते हैं कि evaporation की गति टेम्परेचर के बढ़ने और घटने पर निर्भर करती है. टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाते हैं
तो इवोपरेशन घट जाता है। थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी को हम मॉइस्चर के रूप में भी जानते हैं और मॉइस्चर हमारा वाटर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर और आवर सराउंडिंग इज नोन एज ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। मॉइस्चर के बढ़ने पर इवोपरेशन घट जाता है और मॉइस्चर की मात्रा घटने पर इवोपरेशन बढ़ जाती है। यहाँ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में वाष्पीकरण के साथ विलोमानुपाती संबंध है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन इवोपरेशन एंड ह्यूमिडिटी। व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन आवर सराउंडिंग, देन इवोपरेशन बी डिक्रीज। जब हमारे वातावरण में सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवोपरेशन घट जाता है, और जब हमारा ह्यूमिडिटी वातावरण में घटती है तो इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में कपड़ा हमारा देर से सूखती है और गर्मी में कपड़ा जल्दी सूख जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारे वातावरण में आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इवोपरेशन घटने कारण कपड़ा देर से सूखती है। लेकिन जब गर्मी के दिनों में मई में अप्रैल मई में कपड़ा जल्दी सूख जाती है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है हमारे सराउंडिंग में। प्लीज नोटेड दिस पॉइंट। The fourth factor are the rate of speed of wind, or simply speed of wind. जब हवा की गति बढ़ती है तो इवोपरेशन फास्ट हो जाता है, जब हवा की गति घटती है तो इवोपरेशन स्लो हो जाता है। When speed of wind is fast, then the rate of evaporation be slow. That means हवा जब इंक्रीज करती है तो evaporation डिक्रीज कर जाती है। It is a when the speed of wind is fast, then evaporation also fast. That means हवा जब बढ़ती है तो इवोपरेशन की गति भी बढ़ जाती है। जब हवा स्लो हो जाती है when speed of wind is slowly, then rate of evaporation be slow also. Slow. यानी हवा की गति बढ़ने पर इवोपरेशन बढ़ जाता है, हवा की गति घट जाने पर इवोपरेशन घट जाता है। अगर हम गर्म खाना खाते रहते हैं, उसमें पंखा चला देते हैं, हवा की गति बढ़ा देते हैं, तो हमारा खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर हवा की गति नहीं रहती है तो खाना हमें देर से ठंडा होता है। आप देखते हैं कि पंखा चलाने पर कपड़ा जल्दी सूख जाता है, अगर पंखा बंद रहती है तो कपड़ा देर से सूखता है।
तो ये चार प्रभावित कारक थे जो हमारे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन इवोपरेशन को प्रभावित करते थे। नेक्स्ट द अदर टॉपिक्स सबलिमेशन एंड एक्टिविटी ऑफ सबलिमेशन दैट्स ओके।